वेलकम टू द चैनल माई होम माई स्टडी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता दूसरी, फूल और कांटे, सुलभ भारती सातवीं कक्षा से। एज यूजुअल हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, आपके नए शब्द और उसके मीनिंग्स दिए गए हैं यहाँ पे, एंड मुहावरे भी दिए गए हैं, तो आपको इसको लर्न करना है। अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर देखो, खोजबीन में दिया गया है छोटे, माध्यम, बड़े, इनमें हमको पेड़ के नाम लिखना है। छोटे पेड़ में आएगा गुलाब, तुलसी, कमल। माध्यम पेड़ में आएगा पपीता, अनार, केला। और बड़े पेड़ों में आएगा नारियल, पीपल एंड बरगद। प्रश्न नंबर एक देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फर्स्ट है रात में उन पर डैश चांद भी, इसमें आएगा चमकता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी डैश, उसमें आएगी चांदनी है डालता। एक ही सी चांदनी है डालता, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का वेद देता श्याम तन। प्रश्न नंबर दो, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट है फूल किनको गोद में लेता है। आंसर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। छा, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। उत्तर, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। जा, कौन एक सा बरसता है, मेह एक सा बरसता है। झा, फूल किसको रस पिलाता है, फूल भौरों को रस पिलाता है। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पर हमको निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विधातु शब्दों में जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो, जंबल लेटर्स दिए हमको, इसमें से हमको क्या करना है, समानार्थी और विरोधार्थी शब्द ढूंढना है और उसको वाक्यों में प्रयोग करके भी लिखना है। पहला वाला देखो, पुष्प यानी फूल, वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे इसको। फूल को पुष्प भी कहते हैं। माँ ने पूजा के लिए पुष्प लाए, मैंने फूल तोड़े। दूसरा वाला है तन बदन, उसको वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे। सैनिक तन मन से देश की सेवा करते हैं। दूसरा, सैनिक का बदन लहू लुहान था। तीसरा वाला है जल पानी, समुद्र का जल खारा होता है, हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए। अब फोर्थ वाला देखो, हवा पवन, जोरदार हवा के कारण पेड़ पौधे हिलने लगे, हवा का एक नाम पवन भी है। अब हम इसमें से विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी बनाएंगे। तो विरुद्धार्थी शब्द में पहला वाला है रात, उसका विरुद्ध आएगा दिन, यह बच्चा रात दिन रोता रहता है। दूसरा, मान अपमान, मान और अपमान की चिंता करते रहोगे तो कभी भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। तीसरा, छोटा बड़ा, हमारे मन में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चौथा, पावन अपावन, आज के युग में भी कुछ लोग पावन विचार वाले हैं तो कुछ अपावन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी कविता फूल और कांटे के प्रश्न उत्तर खत्म हुए। अगर आपको और भी क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये नॉलेज आप तक ना रहे, दूसरों तक भी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।